बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम मोहम्मद शकील, आई एम ऑपरेशन थिएटर टेक, BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट। आई एम अफिलिएटेड विद बहाउद्दीन जिक्री इंस्टीट्यूट ऑफ लाइट हेल्थ साइंसेस, मुल्तान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि शौक के हवाले से है। इसको हम डिफरेंट हिस्सों के अंदर पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम इसका पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन और इसकी डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि शौक क्या है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो हम स्टार्ट करते हैं। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन ड्यू टू पुअर टिश्यू परफ्यूजन विद इम्पेयर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मैनिफेस्टेड इन टर्न बाय सीरियस पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज। तो ये शॉक एक ऐसी सिचुएशन होती है बॉडी के अंदर के जिसमें हमारे जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको ब्लड सप्लाई की जो है ना कमी वाकई हो जाती है, जिसकी वजह से जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है, और इसके अकॉर्डिंग इसके साथ ही हमारे जो पैथोफिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो बॉडी के अंदर चेंज आती हैं। ऐसे ही होता है इस वजह से कि इसके अंदर जो हमारी बॉडी के सेल्स और सेल्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से ये हमारे पास शॉक काज होता है। ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन है। दूसरी इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉक इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द क्लिनिकल सिंड्रोम दैट डिवेलप्स व्हेन देयर इज़ अ क्रिटिकल इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ एक्यूट सर्कुलेटरी फेलर। तो ऐसे से हमारे पास जो भी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे उसके अंदर यही होगा कि क्रिटिकल टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ टिश्यू परफ्यूजन ड्यू टू सम फॉर्म ऑफ द एक्यूट सर्कुलेटरी फेलर। जब सर्कुलेटरी फेल होगा उसके अंदर हमें ब्लड अपना हमारे टिश्यूज़ को हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसके अंदर से टिश्यू परफ्यूजन होगी। ब्लड की जो हमारे पास बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ब्लड की ज़रूरत होती है, वो ना होने की वजह से जो हमारी पेशेंट होती है, जो हमारी बॉडी होती है, वो शॉक के अंदर चली जाती है। तो इस वजह से भी ये शॉक होता है। एक और तरह से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, शॉक में भी डिफाइन एज इनएडिक्वेट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन द नॉर्मल टिश्यू एंड सेलुलर फंक्शन। ये बहुत ईजी और आसान डेफिनेशन है शॉक की। इसको हम ये करते हैं कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए और नॉर्मल फंक्शन जो रूटीन वाइज हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसके ना होने की वजह से, उसका कमी होने की वजह से जो है ना हमारी बॉडी जो है ना ये शॉक के अंदर जा सकती है और शॉक काज करता है। ये बहुत आसान डेफिनेशन, इनमें से जो भी आपको ईजी लगे, ये समझाने के लिए दो तीन डेफिनेशन इसके अंदर पुट की गई हैं ताकि आप इसको ईजीली अच्छे से समझ सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक और डेफिनेशन हम इसके पढ़ते हैं कि द स्टेट इन विच प्रोफाउंड एंड द वाइड स्प्रेड रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव टिश्यूज परफ्यूजन लीड्स फर्स्ट टू रिवर्सिबल एंड देन इफ प्रोलॉन्ग्ड टू इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। तो ये इस डेफिनेशन को हम इस तरह से करते हैं कि वाइड स्प्रेड रिडक्शन, अब इसके अंदर भी यही है कि हमारी जो टिश्यू परफ्यूजन होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके अंदर रिवर्सिबल चेंजेस आ सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी को टिश्यूज, हमारे बॉडीज के सेल्स को और उसके अंदर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन एक कम मिकदार में मिल रही है और वो उनका इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन हो रहा है, तो उसको हम दोबारा से ऑक्सीजन सप्लाई दे के उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं, दोबारा से नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने में, उसको मेटाबॉलिज्म को दोबारा से मेंटेन करने के लिए हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर हमारी जो
ये जो हमारे पास टिश्यू इफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है ये आगे प्रोलॉन्ग हो, देन जो है ना ये इरिवर्सिबल हो जाती है और इसके अंदर हमारे पास सेलुलर इंजरी आ सकती है, जो कि आगे अगर ये प्रोलॉन्ग रहे तो इवन के पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये हैं हमारी तीन चार किस्म की डेफिनेशंस। ये तीन चार इसलिए बताई गई हैं ताकि आप इसको इजीली समझ सकें, जो आपको आसान लगे उसको आप एक्सप्रेस करके, उसको आप लिख के और समझ के, उसको जो है ना आप समझ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी डिफरेंट एटियोलॉजीज कि अ लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ द कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स कैरेक्टराइज्ड बाय, जो वास्कुलर अपना सिंड्रोम ऑफ कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, इसके अंदर जो हमारे पास जो एक जब भी कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है तो पेशेंट डायरेक्ट शॉक में चले जाता है, तो वो किस वजह से होता है उसको हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एन एक्यूट रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम, जब हमारे पास अचानक से हमारे जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है, सर्कुलेटिंग ब्लड है, उसका अगर वॉल्यूम अचानक से कम पड़ जाता है तब पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर चला जाता है। अगर हम हाइपोटेंशन की जो है ना डेफिनेशन पूछें तो आप ये कह सकते हैं एन एड्यू एन एक्यूट रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम इज काज द हाइपोटेंशन। इसके अलावा हम और पढ़ते हैं एन इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द सेल एंड टिश्यूज़, जो अब जब हमारी बॉडी को और टिश्यूज़ को जो है ना इनएडिक्वेट परफ्यूजन यानी कि वो ब्लड सप्लाई ना मिले तब तो भी जो है ना हमारे पास हाइपो परफ्यूजन हो सकती है। हाइपो परफ्यूजन हो सकती है कि नॉर्मल जो एक हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही होती है वो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को जो फ्लूड होता है या जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कम हो रहा होता है तो वो हाइपर परफ्यूजन के अंदर चला जाता है। इफ़ अनकम्पनसेटेड दीज मैकेनिज्म में लीड टू दी इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबोलिक मेटाबॉलिज्म एंड, और अगर ये हाइपोपरफ्यूजन और हाइपोटेंशन अगर ये प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती रहें तो हमारे पास इम्पेयर्ड सेल सेल के फंक्शन सेल जो हमारी बॉडी को हैं वो फंक्शन परफॉर्म करना मतलब उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, वो मेटाबॉल हम बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म ही काम नहीं करेगा और वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई बॉडी अपनी मूवमेंट के अंदर उसमें डिस्टर्बेंस होगी, वो जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, तब हमारे पास पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ शॉक आर द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक एंड न्यूरो एंडोक्राइन स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज, इनएडिकेट ऑक्सीजन डिलीवरी एंड एंड ऑर्गन डिसफंक्शन। तो ये कहते हैं उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर शॉक की हम देखें तो ये रिजल्ट बनता है द स्टिमुलेशन ऑफ द, एक होता है हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, दूसरा होता है कि ए सिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है ये ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली चल जाए ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है। एंड न्यूरो एंडोक्राइन जो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल एक सिस्टम है ये होता है जो कि हमारे पास ये भी ऑटो इम्यून की अपना ऑटो ऑटो बॉडी सिस्टम है, वो स्ट्रेस उसके अंदर जो होता है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, मतलब बॉडी के अंदर स्ट्रेस वाली हालत क्रिएट कर देता है। इनएडिकेट ऑक्सीजन डिलीवरी, बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है तब हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शन वो डिसफंक्शन शुरू कर देते हैं, मतलब उसके फंक्शंस में कमी आना शुरू हो जाती है। और जब ये कमी बढ़ती जाती है तब ये ऑर्गन ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, वो सिस्टम हमारे पास वो शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं और जो कि हमारे पास आगे डेथ का काज बनते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका एक ओवरव्यू देखते हैं कि हमारे पास शॉक हो एक जो है ना किस तरह से काज बनता है, तो उसको हम देख रहे होते हैं देखते हैं कि इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन। इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन का ऑलमोस्ट ये मतलब ये वर्ड हम पूरे इस चैप्टर पूरे इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ को जो एक हमारे पास ब्लड की सप्लाई मिलती है और उसके अंदर ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम होना इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे हो सकता है। जब इनएडिकेट टिश्यू परफ्यूजन होती है
तो क्या होता है, डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो हमारे बॉडी में अंदर होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और डेंजर्स या डेंजर सिग्नल्स एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स, या तो वो जो है ना हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारे पास सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, या तो फिर इनको खतरा वो एक खतरे का एक सिग्नल देते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जो हमारी बॉडी के अंदर दोबारा से उस वो हमारे पास जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको कंपनसेट करने के लिए ऑटो जो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होता है उसको मीडिएट कर देते हैं, उसको उजागर करते हैं। तो ये एक हमारी बॉडी का एक सेल्फ रिस्पॉन्स जो है ना एक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जब हमारे पास ऑक्सीजन की जो फराहमी होती है सेल्स के अंदर टिश्यूज़ के अंदर, तब हमारे ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तब हमारे पास सेलुलर डिसफंक्शन जो सेल्स होते हैं उनको वो फंक्शन उनके फंक्शन में कमी आना शुरू हो जाती है। तो फिर आगे हमारे पास क्या होता है, ये कहते हैं माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो। हमारे पास जो ब्लड का फ्लो होता है वो रैंडम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, फर्दर कंप्रोमाइजिंग सेलुलर परफ्यूजन। जो फर्दर वो होते हैं हमारी बॉडी जो होती है, जो हमारी एक हमारी बॉडी के अंदर पहले से ब्लड मौजूद होता है वो बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्रोमाइज की कंडीशन हालत में कभी जो है ना, जैसा कि हमारे मेन बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं जैसा कि ब्रेन है और हार्ट है, ये हार्ट खुद और ब्रेन और इस तरह से जो इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, लीवर्स हैं, किडनीज हैं, इनको ब्लड की फराहमी के लिए ये मेजर ऑर्गन है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बॉडी से जो है ना ब्लड इकट्ठा करके इन मेन ऑर्गन को सप्लाई करता है, ताकि बॉडी कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करके, जिस तरह से हम ये होते हैं कि बाद से ऑक्सीजन की फराहमी जैसी पॉसिबल हो जाएगी फिर हमारी बॉडी के फंक्शन नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये नहीं होती, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी को नहीं मिल रही होती, फिर वो आगे जो है ना कहते हैं काजिंग मल्टीपल ऑर्गन फेलर। तो हमारे पास मल्टीपल ऑर्गन फेलर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और ब्लड में ऑक्सीजन होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अंदर और उसमें जो है ना यूज़ हो जाती है, एंड इफ़ प्रोसेस इज़ नॉट इंटरप्टेड लीड्स टू डेथ। अगर हमारे पास मल्टी ऑर्गन फेलर की होने के बावजूद अब बॉडी को ऑक्सीजन ना मिले फिर हमारे पास ये डेथ काज हो सकती है, और ये हमारे पास शॉक शॉक इन मतलब इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो लॉस हो चुका होता है, जो कि वह जो है ना शॉक की कंडीशंस के अंदर हमें जो है ना मिलता है। तो अब हम इसकी करते हैं क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन भी बहुत इजी है और बहुत लंबी है, तो इसको हम तरतीब से थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हम इसको डिस्कस करते जाते हैं। पहले है कि प्राइमरी इनिशियल शॉक, सेकेंडरी ट्रू और ट्रू शॉक, और थर्ड वन पे है कि एनाफिलैक्टिक टाइप 1 अपना इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, और ट्रू शॉक सर्कुलेटरी इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एट द सेलुलर लेवल, हेंस नेम सर्कुलेटरी शॉक। वो कहता है कि इसको सर्कुलेटरी शॉक का नाम किस लिए दिया गया है, इसको ट्रू शॉक या सर्कुलेटरी शॉक क्यों कहा गया, कि सर इसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई रिक्वायरमेंट टू द सेलुलर लेवल, कि ऑक्सीजन की जो बॉडी ब्लड में ब्लड और ऑक्सीजन का कम्बिनेशन में जो हमारे पास जो एक इम्बैलेंस हो जाता है, इसको इसलिए हम इसको नाम सर्कुलेटरी शॉक के नाम से इसको पहचानते हैं, जानते हैं और इसको इसका नाम देते हैं। तो ये इन चीज़ों सब सबको हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम इसको देखते हैं कि इनिशियल शॉक ये क्या होता है, ट्रांजिएंट एंड योयो वाली बिनाइन वेसोवेगल अटैक ड्यू टू द सडन रिएक्शन ऑफ द वेनस रिटर्न कॉज बाय द न्यूरोजेनिक वेसोडाइलेशन एंड द कंसिक्वेंट पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड इमिडिएटली फॉलोइंग द ट्रामा, सेवियर पेन, इमोशनल ओवर द रिएक्शन एक्सेट्रा। कहते हैं जो इनिशियल शॉक होता है उसके अंदर जो पेशेंट की कंडीशन होती है वो किस तरह से होती है, उसको इसने थोड़ा सा बयान किया गया है, बताया गया है कि उसके अंदर होता है कि यूजुअली बिना वेसोवेगल अटैक जो हमारे पास जो
ये वेसोवेगल अटैक ड्यू टू द सडन रिएक्शन ऑफ द वेनस रिटर्न, जो हमारी बॉडी का जो वेनस सिस्टम है, आर्टरी और बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन होती हैं, तो इसके अंदर जो वेसोवेगल होती हैं, जो हमारे पास बड़ी आर्टरीज होती हैं उनके अंदर जो हमारे पास ब्लड का जो ब्लड होता है रिडक्ट, उसके अंदर टोटली हमारे पास जो है ना वो ब्लड कम होना शुरू हो जाता है, काज दी न्यूरोजीनिक वेजो डायलेशन। जैसे ब्लड कम होता है तो वहाँ पे बॉडी की वेसल्स की जो है ना वेजो डायलेशन हो जाती है, एंड कंसिक्वेंट पेरीफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड, जो हमारी पेरीफरी होती हैं उसके अंदर जो ब्लड होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है, बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको हेल्पफुल करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इमीडिएटली फॉलोइंग दी ट्रॉमा। तो इमीडिएटली वो जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर वो ट्रॉमा की हालत, इमरजेंसी की हालत शुरू हो जाती है, सवेयर पेन और बॉडी के अंदर वो पेन होना शुरू हो जाता है, इमोशनल ओवर द रिएक्शन, तो हमारे बॉडी का इमोशनल स्ट्रेस लेना शुरू हो जाते हैं, रिस्क की कंडीशंस जो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, ये हमारे पास होता है इनिशियल शॉक। अब हम दूसरा देखते हैं, इन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस ट्रू शॉक इज़ द फॉर्म विच अकर्स ड्यू टू द हीमोडायनामिक डीरेंजमेंट विद हाइपोपरफ्यूजन, कॉमनली रेफर्ड टू एज शॉक। अब ये बहुत इजी अल्फाज में इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारी रूटीन की क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम ट्रू शॉक, जो हमने पहले इसकी एक टाइप पढ़ी है, एक इनिशियल है जिसको हमने इस तरह से डिफाइन किया, दूसरे इसके अंदर है ट्रू शॉक, ये है ये वो कंडीशन है जिसके अंदर हाइपोडायनामिक डीरेंजमेंट विद दी हाइपरपरफ्यूजन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी हमारा मटेरियल है, हमारा जो ब्लड है और ब्लड मटेरियल्स है वो जैसे ही कम होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर बॉडी के अंदर हाइपर परफ्यूजन हो जाती है, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको रूटीन और अपना ट्रू शॉक के नाम से इसको जानते हैं, इसको ट्रू शॉक का नाम देते हैं। आगे हम इसकी जो है ना एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसकी क्लासीफाई इसको आगे क्लासीफाई करते हैं, उसके अंदर इसका जो फर्स्ट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, और अदर इसकी जो सेप्टिक शॉक उसमें है अदर जो इसकी टाइप है शॉक की, उसके अंदर है ट्रॉमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और हैपोएड्रिनल शॉक। ये डिफरेंट बुक्स ने इसकी अलग अलग से क्लासिफिकेशन की हुई, हम इसको तरतीब से आगे इंशाल्लाह डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब इसको देखते हैं कि ड्यू टू द लो फ्लो रिड्यूस्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब कि रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये हो जाते हैं, ये होता है रिड्यूस्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम की जो है ना ये इसके कम होने की वजह से ये हमारे पास हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक शॉक ये जो है ना हमारे पास आते हैं। ड्यू टू द लो पेरिफेरल आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस, जैसा कि होता है वेजोडाइलेशन की वजह से, ये तो हमारे पास रिड्यूस स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से जो होते हैं वो आ जाते हैं हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक और ऑब्स्ट्रक्टिव, और जो है ड्यू टू लो पेरिफेरल आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस की वजह से, जैसा कि वेजोडाइलेशन की वजह से जो हमारे पास शॉक की टाइप्स आती हैं वो आती हैं सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और न्यूरोजीनिक शॉक। तो इन इन सबको हम जो है ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको देखते हैं कि जो अलग इसकी आगे फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है वो है वेसोवेगल, साइकोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ट्रोमेटिक शॉक, बर्न, कार्डियोजेनिक शॉक और सेप्टिक। और सेप्टिक शॉक को आगे वो जो है एंडोटॉक्सिन के हिसाब से इसको आगे दो आगे क्लासिफाई सब डिवाइड किया गया है आगे, उसके अंदर है हाइपरडायनामिक वार्म और जो है ना हाइपोवोलेमिक और हाइपोडायनामिक कोल्ड शॉक, ये वार्म और कोल्ड, इसको सेप्टिक शॉक को आगे फर्दर दो सब डिवीजन में अपना क्लासिफाई किया गया है, एक वार्म है और दूसरा है कोल्ड के नाम से। अब जो इसकी आगे एक और किस्म है जिसको है एनाफिलेक्टिक शॉक, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको तरतीब से आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम इसकी सारी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ये दो हैं जो है ना प्रपोज बाय दी हिंशे एंड डी कॉक्स, ये साइंटिस्ट के नाम से इन्होंने इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन की है आगे शॉक की, वो हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एक्स्ट्रा कार्डिक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर उन्होंने फिर आगे क्लासिफाई किया है उनको सेप्टिक शॉक के अंदर, एनाफिलेक्टिक शॉक और
न्यूरोजेनिक शॉक, जैसा कि हमने पीछे इसकी क्लासिफिकेशन अपना ये डिस्कस किया है, ये भी बिल्कुल एसएच वैसे ही है। नेक्स्ट हम आगे इसको देखते हैं, शॉक ड्यू टू दी रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम। जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम, हम ये इसको हम पहले भी देख चुके हैं, शॉक ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड के वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो हमारे पास शॉक होते हैं उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक और कोल्ड शॉक। तो इसके अंदर कौन से हैं, ये है ट्रॉमेटिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, सर्जिकल शॉक, बर्न शॉक और डिहाइड्रेशन शॉक। ये सारी वो किस्में हैं जो हमारे अंदर जो है ब्लड के वॉल्यूम के कम होने की वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर, वो ये हैं, उनकी इस तरह से उनको आगे क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, शॉक ड्यू टू द इंक्रीज्ड वास्कुलर कैपेसिटी, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल, जिसके अंदर ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल होता है, अकर बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द टिश्यू ड्यू टू द इंक्रीज वास्कुलर कैपेसिटी। जब हमारे पास जो हमारे ब्लड अपने ब्लड की जो वेसल्स हैं ये डायलेट हो जाती हैं, तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वैसे तो वो नॉर्मल रूटीन के अंदर होता है, लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर जो वास्कुलर सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की वेसल्स होती हैं, इनकी वैसे डायलेशन होने की वजह से, इनको ओपन होने की वजह से, ज़्यादा ब्रॉड होने की वजह से जो इसके अंदर कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, जो कि हमारा नॉर्मल जो बॉडी का एक ब्लड है जो वॉल्यूम है वो फिर उसके अंदर उसकी कमी हो जाती है, इनएडिकेट सप्लाई हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी शॉक में जो है ना जाती है। और उसमें जो शॉक की किस्में आती हैं वो आती हैं न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, और ये आ जाते हैं शॉक ड्यू टू द डिजीज ऑफ द हार्ट, कार्डियोजेनिक शॉक, जो दिल की डिजीज़ की वजह से, मतलब दिल का कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से जो शॉक प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर उसको कार्डियोजेनिक शॉक के नाम से जानते हैं। शॉक ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, जो हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, जो हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड की ऑब्स्ट्रक्शन से जो हमारे पास शॉक आ जाता है, बाज़ दफ़ा हमारी जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कोई मास बन जाता है, जो ब्लड क्लाट बन जाता है, तो जो ब्लड फ्लो हो जाता है वो होता है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के नाम से जानते हैं। ये इसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दी शॉक, इसको हम थोड़ा सा जो है ना ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर क्या हो जाता है। ये होता है इफेक्टिव सर्कुलेशन, ब्लड वॉल्यूम जो हमारे पास होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि आगे वेनस रिटर्न टू दी हार्ट इसको भी डिक्रीज़ कराता है। अब इसको हम देखते हैं कि हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कब कब होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। ये हेमरेज की कंडीशन में होता है, बॉडी को ट्रामा हो जाए उसकी कंडीशन में हो जाता है, ड्यूरिंग सर्जरी के हो जाता है, और बर्न की कंडीशन में हो जाता है, इसके अलावा बॉडी में जो डिहाइड्रेशन होती है इसकी वजह से हो जाती है। इसके अलावा हम सेकंड पढ़ते हैं सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक के अंदर भी यही होता है कि इफेक्टिव सर्कुलेशन, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम जो होता है ये डिक्रीज़ हो जाता है, वेनस रिटर्न टू द हार्ट ये भी डिक्रीज़ हो जाता है। सेप्टिक शॉक को हम किस तरह से देखते हैं कि सेप्टिक शॉक होता क्यों है, इसकी काज क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, ये ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया की वजह से और जो ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसीमिया, ये दो बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये सेप्टिक शॉक होता है। तो इसके अलावा हम और देखते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक जैसे हमने खुद देखा है, इसके अंदर कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर जो दिल की हमारे पास जो सप्लाई है, कार्डियक आउटपुट जो हमारे पास होता है वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, जो हमारे पास कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, सप्लाई ऑफ दी ऑक्सीजन, क्योंकि हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन मिल रही होती है जो टोटली ब्लड से मिल रही होती है और ब्लड में डिजॉल्व होकर तब हमारे पूरी टिश्यू की वजह से हो रही होती है, और इसके अलावा जब हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू ऑक्सीजन की कमी होगी तब हमारे पास एनोक्सिया हो जाएगा, एनोक्सिया मीन के हमारे पास बॉडी साइनोज्ड होना शुरू हो जाएगी, और जो है ना इंसान का जिस्म जो है ना नीला और काला पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पास आगे शॉक काज कराता है। और अगर ये इस कंडीशन को प्रॉपरली हमारे पास इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसको बाहर से ऑक्सीजन या इसको वेंट में ना डाला जाए, तब हमारे पास पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ दी एम्प्टीइंग
फीलिंग आउट, फीलिंग फ्लो, फीलिंग आउट फ्लो ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, जब हमारे पास दिल के अंदर जो ब्लड का फ्लो हो जाता है वो कम होना शुरू हो जाता है और जो उसका आउटपुट होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तब हमारे पास ये कार्डियोजेनिक शॉक की काज जो है ना कराता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ द शॉक, शॉक के अंदर कितनी क्या कौन कौन से आगे स्टेजेस हैं, इसको हम देखते हैं कि डिटेरियोरेशन ऑफ द सर्कुलेशन इन द शॉक, इन शॉक इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड कंटिन्यूस फिनोमिना एंड कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स बिकम्स प्रोग्रेसिव लेस इफेक्टिव। इसके अंदर वो बताना ये चाह रहा है कि सर्कुलेशन जो शॉक के अंदर जो बॉडी की सर्कुलेशन होती है वो उसका जो एक कम होना बॉडी के अंदर उसका रक्त टूट मतलब रक्त तो उसका जो है ना एक कंटिन्यूस जो चल रहा होता है वो कम पड़ जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और वो एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस के तरह मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज होना होता रहता है जब बॉडी एक शॉक के अंदर चले जा रही होती है। और अगर उसके अंदर बॉडी को जो हमारे पास बाहर से सपोर्ट ना दी जाए, पेशेंट को ब्लड जो है ना एक्सटर्नल ब्लड ना लगाया जाए, जब पेशेंट को वेंट पे ना डाला जाए, जब उसको ऑक्सीजन परफराम ना की जाए, तब हमारे पास जो है ना ये जो है मैकेनिज्म बिकम दी प्रोग्रेसिव लेस इफेक्टिव। तब हमारे पास ये जो हम बाहर से वो देते हैं, अगर बॉडी मुसलसल मतलब कि शॉक में जा रही है तब अगर एंड स्टेज के अंदर हम उसको कोई उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो ये हमारे लिए लेस इफेक्टिव होता है। अब हम इसको देखते हैं कि नॉन प्रोग्रेसिव इनिशियल कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक, जो हमारे पास नॉन प्रोग्रेसिव होता है कि एक हमारे पास शॉर्ट लिमिट के अंदर जो ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उसको हम इनिशियल स्टेज इनिशियल और कंपनसेटेड कंडीशंस के अंदर उसको वो कह सकते हैं वो रिवर्सिबल होता है, उसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से बॉडी को नॉर्मल फंक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। इसके अंदर उसके अंदर बॉडी की सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं और बाहर से हम उसको ऑक्सीजन और जो है एड जो है ना उसको दे के दोबारा से उसको रिवर्स में कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी इसकी टाइप है प्रोग्रेसिव डीकम्पनसेटेड शॉक, ये वो टाइप होती है कि इसके अंदर वो जो हमारे पास शॉक की कंडीशन होती है वो प्रोग्रेस में रहती है, उसको हम मतलब मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, उसको हम जो है ना जो एक ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई नहीं दे पा रहे होते, या ब्लड जो लॉस हो रहा होता है उसका हम कोई जो है ना उसको हेल्प नहीं कर रहे होते, तब हमारे पास ये डीकम्पनसेटेड उसके अंदर कंडीशंस के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर जो हमारे पास थर्ड डिग्री है वो डीकम्पनसेटेड इरिवर्सिबल शॉक हो जाती है, और ये जो हमारे पास होती है जो ये लास्ट कंडीशन होती है, इसके अंदर हम बॉडी को जो है ना एक्सटर्नली तौर पे ब्लड की ऑक्सीजन की या किसी भी तरह की जो है ना वो एक हेल्प नहीं मिल रही होती, जो कि इरिवर्सिबल कंडीशन में जाके और पेशेंट की आगे डेथ कास कराती है। ये हम फ्लो चार्ट के अंदर जो एक नॉन प्रोग्रेसिव या इनिशियल कंपनसेटेड रिवर्सिबल शॉक है उसको ये दिखाया हुआ है। ये थोड़े जो है ना ये इसकी मैंने पिक जो है ना एक फेंट सी है, इसको भी जो है ना आप ये देख लीजिएगा। सो ये भी है और इसके साथ एक और है जो प्रोग्रेसिव कंपनसेटेड है शॉक, ये जैसे इसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि ये शॉक कंटिन्यूस होता है, सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर ये डिक्रीज हो जाता है, जब ये आता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सेरिब्रल ब्लड फ्लो ये भी कम हो जाता है, सेलुलर इसके अंदर बॉडी हाइपोक्सिक बॉडी हो जाती है, पल्स प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर इसको कंपनसेट ना किया जाए तो फिर जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे पास बॉडी लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन इसके अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और जो है ना पेन बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये देखेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, टिश्यू इस्कीमिया हो जाता है, एनएरोबिक जो मेटाबॉलिज्म होता है ये स्टार्ट हो जाता है। जो एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक, एरोबिक के अंदर जो होती है वो हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई आ रही होती है उसके अंदर बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म को करती है, जो एनएरोबिक होता है जो बॉडी के अंदर टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसकी टूट फूट करके वो करके बॉडी वो जो ऑक्सीजन वहाँ से मिलती है उसको अपने जो है मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज़ करके वो करते हैं, जब वहाँ से वो बॉडी की जो ऑक्सीजन होती है वो ख़त्म हो जाती है तो हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है,
जो जो है ना वो एक मसल फेटिक काज कराता है और पेन काज कराता है। इस तरह से जब टिश्यू इस्कीमिया हो जाता है तो उसके अंदर लो कार्डियक एंड सेरेब्रल परफ्यूजन, जो कार्डियक और पेरिफेरल जो परफ्यूजन होती है इसके अंदर वो ब्लड का फ्लो जो होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो इसके अंदर जो रेस्पिरेशंस टू द एक्सपेल CO2, जो हमारा रेस्पायरेट करते हैं उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हम सांस लेते हैं ये भी आगे हमारे पास एसिडोसिस कास करवाता है, और जो है ना हमारे पास सांस की बीमारी जो कास कराता है, हमारे पास रेस्पिरेटरी फेलर के अंदर जो है ना ये हमें एक कास बनता है इसका। इसके अलावा एक और है कि डिकम्पनसेटेड इरिवर्सिबल शॉक, ये भी आगे एक लिथल कंडीशन है कि जब शॉक कंटिन्यूस रहता है उसको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे होते तो मेटाबॉलिक अकोमोलेट्स हो जाती हैं और प्रोपेपिलरी स्फिंक्टर जो हमारे होते हैं वो हमारे डायलेट हो जाते हैं, और पोस्ट पेपिलरी स्फिंक्टर जो हमारे पास होते हैं रिमेन दी कंसनट्रिक्टेड, वो हमारे पोस्ट पेपिलरी मसल वो एक कंस्ट्रिक्ट रहते हैं, मतलब कि अपनी जगह पे फिक्स हो जाते हैं। इंक्रीज इन दी कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कैपिलरी के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो भी जो है ना इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा रिजल्ट्स इन दी फ्लूड लॉस फ्रॉम दी वास्कुलर स्पेसेस इन टू दी इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो बॉडी उसके अंदर हमारे जो स्किन के अपना ब्लड वेसल्स के अंदर इंटरस्टिशियल स्पेसेस होती हैं उनके अंदर फ्लूड कम होना शुरू हो जाता है, जो कि काज करता है डिक्रीज इन दी वास्कुलर वॉल्यूम, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर अपना उसमें वो रिडक्शन आ जाती है, वो कम होना शुरू हो जाता है। डिक्रीज इन दी वेनस रिटर्न टू दी राइट साइड ऑफ दी हार्ट, राइट साइड के अंदर जो हमारे पास जो ब्लड वेनस रिटर्न जाता है हमारी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके अंदर जाता है वो उसमें जो उसकी मिकदार हो जाती है उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। फर्दर डिक्रीज इन दी कार्डिक आउटपुट, जैसे ही हमारे पास ब्लड में का फ्लो जो होगा वो कम जाएगा तो ब्लड का जो आउटपुट होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जो हमारे पास आगे काज कराएगा सेलुलर एसिडोसिस और सेलुलर नेक्रोसिस काज कराएगा। टिश्यू हमारे डैमेज होंगे, जैसे ही हमारे टिश्यू डैमेज होंगे बॉडी के जो फंक्शंस होंगे वो फंक्शन परफॉर्म करना मतलब उनका वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही बॉडी के जो है ना सेल फंक्शंस करना और टिश्यू नेक्रोसिस होना स्टार्ट होगी तब हमारे पास पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये भी एक मतलब इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है शॉक के। अब हम देखते हैं कि जो शॉक की स्टेजेस है उसके अंदर जो हमारे पास है ये चेंजेस आती हैं पैथोजेनेसिस और जो इफेक्ट्स हैं उसके ये कैसे हैं इसको भी हम जो है ना देख लेंगे। इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होते हैं बैरोरिसेप्टर्स और जो है ना जो इसके पैथोजेंस हैं बैरोरिसेप्टर्स हैं और कैटेकोलामाइंस रिलीज हो जाता है, रिनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाता है और जो होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्किन जो होती है वो ठंडी पड़ जाती है और पेशेंट को टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाता है, फ्लूइड कंजर्वेशन बाय किडनी, जो हमारे पास जो किडनी हमारे पास जो होते हैं ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये जब बॉडी के अंदर जो हमारे पास ब्लड वॉल्यूम्स होता है जब उसके अंदर फ्लूइड जब भी कम होना शुरू हो जाती है तो ये एक कंजर्वेटिव पार्ट है, इसके अंदर ये पानी को बॉडी के किसी भी हिस्से से अब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म को जितना ज़्यादा हो सके उसको आगे कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेसिव शॉक है इसके अंदर कौन कौन सी पैथोजेनेसिस होती है, तो ये होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है कि विदाउट ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे पास जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको तोड़ फोड़ करके वहाँ से जो एनर्जी और ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है उसको यूटिलाइज करके बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करना, तो ये एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है जिसके एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है और इसका इफेक्ट होता है कार्डियक आउटपुट इसमें डिक्रीज हो जाता है और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है,
प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर, जैसे ही प्रोग्रेसिव शॉक बढ़ता जाएगा और ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होंगी, जो पैथोजिनेसिस होगी, ये कंडीशन हमारे अंदर जो है ना होती जाएंगी, और इलेक्ट्रिक एसिडोसिस होगी और लोअर द पीएच बॉडी के अंदर। बॉडी की पीएच जो एक नॉर्मल रूटीन में 7.4 होती है, उससे जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो बॉडी एसिडिक हालत के अंदर आना शुरू हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिक एसिडोसिस होने की वजह से। और इसके अलावा हमारे पास डीएसी काज कराता है, और मेंटल कन्फ्यूजन, और जो है ना यूरिनरी आउटपुट, ये भी जो है ना इसके अंदर कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो इरिवर्सिबल शॉक है, जो कि बहुत डेंजरस है, ये हमारे पास कौन सी पैथोजेनेसिस काज करवाता है, ये होता है परसिस्टेंट वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, हमारे जो वेजन होते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, वेजो डायलेशन एंड वास्कुलर, और जो है ना वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और मायोकार्डियल इस्कीमिया, ये जो हमारे पास जो मायोकार्डियल इस्कीमिया जो हमारे दिल के अंदर के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस्कीमिया काज करवाता है, सेरिब्रल इस्कीमिया जो हमारी ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन VDF और ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर ये काज कराता है, इंटरस्टिशियल फैक्टर काज कराता है, बैक्टीरियल फैक्टर, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इरिवर्सिबल रहते हैं। और इसके अंदर जो है हैपर कोअबिलिटी ये काज कराता है। इसके अलावा हमारे पास है जो ब्रेन के अंदर ब्रेन डेथ काज कराता है, लंग्स के अंदर जो है ना ये ARDS ये सांस की बीमारी काज कराता है, हार्ट लोकल मायोकार्डियल नेक्रोसिस कराता है, किडनी की एचिंग काज कराता है, लिवर के अंदर नेक्रोसिस कराता है, स्प्लीन के अंदर हाइपरप्लेजिया काज कराता है, स्टोमक के अंदर अल्सर और इंटेस्टाइन के अंदर नेक्रोसिस कराता है, और सप्लेंटनिक वेजोडाइलेशन काज कराता है। तो ये हमारे पास बहुत ही मतलब एक इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत सारा आसान भी है। तो इसके अंदर हम जनरल इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो इसके अंदर देखते हैं कि शॉक के अंदर जो एक जनरल से क्लिनिकल फीचर्स हैं वो देखते हैं कि हाइपोटेंशन के अंदर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उसका लेस देन 100 mm ऑफ HG होता है, जो कि और टैकीकार्डिया के अंदर ग्रेटर देन 100 पर मिनट होता है, जो हमारे पास जो शॉक के अंदर बॉडी की कंडीशन वो कोल्ड क्लैमी और स्कैन और ठंडी जो हमारी जो स्किन होती है वो ठंडी पड़ जाती है, और रैपिड शैलो रेस्पिरेशन जो हमारी जो एक रेस्पिरेशन होती है वो एक बंदा जो है ना तेज़ तेज़ से जल्दी जल्दी से जो है ना रेस्पिरेट कर रहा होता है, सांस ले रहा होता है, ड्रॉजीनेस कन्फ्यूजन और इरेबिलिटी बंदा वो तंग हो रहा होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है बड़ा, और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है, गुनगुदगी छाई होती है। इसके अलावा ओलिगोयूरिया यानी कि जो हमारे पास जो यूरिन आउटपुट होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, इन्होंने इसकी मिकदार बताया यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml/hr, ये इसमें ये कम बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो एलिवेटेड और द रिड्यूस सेंट्रल वेनस प्रेशर, जो हमारे पास सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है या तो डिक्रीज अपना इंक्रीज और डिक्रीज, उसके अंदर जो अप एंड डाउन होना शुरू हो जाते हैं और मल्टी ऑर्गन फंक्शंस होना शुरू हो जाते हैं, ये सारी कंडीशंस हैं जो जनरल की एक शॉक की कंडीशंस के अंदर पेशेंट जो है ना फेस करता है। इस तरह से ये तो एक जनरल सी कंडीशन है, इस तरह से हम इसकी हर कंडीशन को आगे पढ़ेंगे, उसको उसकी जो है ना आगे काज उसका पढ़ेंगे, उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजिकल पढ़ेंगे और सारा उसको मैनेज करने के तरीके भी सारे इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये हमारे पास शॉक के हवाले से, इस यहाँ तक अभी इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन है जो थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया है, इसके बारे में किसी के माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो वो जो है ना आप मुझसे टेक्स्ट पे और कॉल पे जिस तरह से भी मतलब आपको ईजी लगे वो आप मुझसे कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट हमारे जो है ना इसके आगे इसको स्टार्ट करेंगे, इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, तो नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।